अस्सलाम वालेकुम। आज हम बता रहे हैं दही पकौड़ियाँ। दही पकौड़ियाँ के लिए जो हमें अज्जा चाहिए, पकौड़ियाँ 200 ग्राम, दही उसके लिए चाहिए हमें 300 ग्राम, प्याज एक कटी हुई, टमाटर एक कटा हुआ, धनिए और पुदीने और हरी मिर्च की चटनी हसबे रायका, आलू ले लिए हमने कटा हुआ, इसे बॉईल कर दिया था, और ये दही पकौड़ियों का मसाला है हसबे रायका। सबसे पहले हम पकौड़ियाँ ले लेंगे, उसे बॉल में डालें, आलू ले लेंगे, टमाटर ले लेंगे, और कटी हुई प्याज अच्छे से, और अब धनिया और पुदीने की चटनी, मैं ले लूँ 1 खाने का चम्मच। अब इसे मिक्स कर लेंगे ताकि ये अच्छे से पुदीने के साथ मिक्स कर लें चटनी के साथ। अब इसमें हम दही ऐड करेंगे, इसे रमजान में बनाए और इफ्तार करें, इससे दही बने, दही पकौड़ियों से इफ्तार करें। ऐड करेंगे दही मसाला, दही भड़े का मसाला, इसे दही पकौड़ियों के में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दही भड़ों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐड कर देंगे, आपकी मर्जी से जितना मर्जी कर सकते हैं। ये ली तैयार है हमारी ठंडी ठंडी दही पकौड़ियाँ, इसे तारी में आप डिश को पेश करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप उसे लाइक कीजिए, और हम आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमें मैसेज कर सकते हैं, और भी मजीद मज़ेदार रेसिपी जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।